सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने धार्मिक ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज हम महाभारत काल के एक वीर धनुर्धारी योद्धा कर्ण के बारे में बात करेंगे। कौन थे कर्ण व कैसे कहलाए वो दानवीर कर्ण? क्यों कृष्ण ने किया उनका अंतिम संस्कार अपने ही हाथों में? तो आइए जानते हैं कर्ण से जुड़े हुए कुछ अद्भुत व अनोखे रहस्य। कर्ण के पिता सूर्य और माता कुंती थी, पर चूंकि उनका पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाए और इसी कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। इस लेख में आज हम जानेंगे कर्ण के जीवन की कुछ रोचक बातें। कर्ण द्रौपदी को पसंद करते थे और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण से बहुत प्रभावित थी और उसकी तस्वीर देखते ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालेगी। लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी और कर्ण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने की वजह से यह विवाह नहीं हो पाया। नियति ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडवों से नफरत करने लगा। द्रौपदी ने कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाना था। क्या आप जानते हैं, द्रौपदी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद कर्ण ने दो विवाह किए थे। चलिए जानते हैं कर्ण के विवाह के बारे में। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता आधी रथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया है। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे, बृषसेन, बृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्वितीय व आखिरी थे बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मौत सात्विक के हाथों हुई। शत्रुजय, बृषसेन और त्रिपाद की अर्जुन, बनसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। बृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ भ्राता था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र बृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी। अर्जुन के संरक्षण में बृषकेतु ने कई युद्ध लड़े। जब कर्ण मृत्युशैया पे थे, तब कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर कृष्ण को समर्पित कर दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दे दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं।
नारायण ने कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने दो और वरदान भी मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें। और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी आज की ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।